पे फोकस रहने वाला है। तो अब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेक्स की। पहले हम लेक्स डिस्कस करेंगे, कौन कौन से मेजर लेक्स हैं और उनको आइडेंटिफाई करेंगे हम मैप पे, ठीक है। तो पहले हमारे जो मेजर लेक्स हैं वो है उलान, पोलिकाट, गुड आफ्टरनून एवरीवन। थ्री स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन नाउ। ओके, चलो ये बताओ आर यू ऑल एबल टू हियर मी? मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या आपको? यस, चलो ये बताओ किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट विच इज आउटसाइड दिस सर्कल? चलिए चैट बॉक्स में डालिए। ओके, हाउ मेनी सेकेंड कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉइंट? स्टूडेंट्स, हाउ मेनी सेकेंड कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट? इनफाइनाइट, वेरी गुड। ठीक है, ओके। टेंजेंट, ओके। हाँ, हाउ मेनी पॉइंट्स आर कॉमन बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ सर्कल? हाउ मेनी पॉइंट्स कॉमन बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ सर्कल? वन पॉइंट, वेरी गुड। ओके, तो नाउ सब लोगों ने होमवर्क कर लिया।
homework is done or not? Yes, please respond. Students, please let me know whether you have done the homework or not. मतलब नहीं किया है किसी ने? मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या आप लोगों को? होमवर्क किया क्या आप लोगों ने? मैं पूछ रहा हूँ कुछ क्वेश्चन. बताइए पार्थ. विशाल पार्थ ने किया. कोमल आपने? हैव यू डन द होमवर्क? राघव, सिद्धिराज तो थोड़ा तबियत ठीक नहीं है. विशाल, कोमल, हैव यू डन द होमवर्क? रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. किया सर? देन नहीं किया है राघव पोपट ने. राघव जी ने नहीं किया है. क्यों भाई, क्यों नहीं करते हैं होमवर्क आप लोग? एवरीबॉडी प्लीज डू द होमवर्क. चलो होमवर्क किया करो यार. ऐसा मुझे भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा. मतलब आप लोग, आई एम राइटिंग ऑन क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अ कॉर्ड ऑफ सर्कल इज टेन सेंटीमीटर विच मेक्स 90 डिग्री एट सेंटर. फाइंड द एरिया ऑफ चलिए प्लीज डू दिस क्वेश्चन. सब लोग क्वेश्चन लिखिए. ये सीबीएसई 2016 में आया था. अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर विच मेक्स 90 डिग्री एट द सेंटर. फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट. सीबीएसई 2016 में आया था ये. चलिए सॉल्व कीजिए सब लोग इस क्वेश्चन को.
पाई का वैल्यू 3.14 यूज करो, आंसर आया किसी का? किया सर, चलो बताओ आंसर क्या है इसका। चलो किसी का आंसर आया क्या? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? बताओ कुछ। होमवर्क भी नहीं करते तुम लोग, क्लास में क्वेश्चन देता हूँ वो भी नहीं करते तुम लोग। वी हैव टू फाइंड, पहले तो माइनर सेगमेंट फाइंड करना, तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। तो 90/360 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर 100 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, 3.314 ये 100 मल्टीप्लाई होगा 4 से। हाँ अरे बोलिए ना। उतना ही है बराबर, उतना ही। हाँ
एज मेरा कितना बोला है आपने? 30 नहीं है ब्रो, 35 बोलिए। ठीक ओके, एंड वेजिटेरियन ना ऐसा? हाँ बराबर बराबर, ठीक ठीक थैंक यू ब्रो, थैंक यू थैंक यू। ऐड किया क्या मुझे उसमें? यस यस यस, हाँ 151 157 हो जाएगा। सात 17 78.5, ठीक है। अभी ये 90th, ये 45 डिग्री हो गया पता ही आप लोगों को, तो फिर इसका वैल्यू भी निकालेंगे साइन से। ये 90 डिग्री है ना? अच्छा ये 90 डिग्री तो ऑलरेडी है। अरे ये 90 डिग्री है तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा एरिया, निकालने की जरूरत ही नहीं इसका, इसमें कुछ करने के नहीं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो भी हाफ इंटू 10 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा? 50 आ गया। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आ जाएगा? माइनर लिख दीजिएगा इधर ना, सेक्टर माइनस ट्राइंगल, तो 28.5। कितना सिंपल क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग क्यों नहीं किए? देखो अब ये 90 डिग्री है तो मैंने डायरेक्टली वो साइन थीटा कॉस थीटा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ा। ये 90 है, ये 10 है, ये 10 है, ये बेस बन जाएगा, ये हाइट बन जाएगा, तो डायरेक्टली एरिया निकल गया ये, तो ये आंसर आ गया। अभी मेजर सेगमेंट का क्या होगा? मेजर सेगमेंट का एरिया कितना है भैया? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट है सर्कल माइनस ट्राइंगल, तो 3 pi r² माइनस 28.5, कितना हो जाएगा? 314 हो जाएगा ये, माइनस 28.5 सब्ट्रैक्ट करना है, इसका आंसर आ गया। आई क्या बात समझ में सब लोगों को? 285.5 आया क्या समझ में सबको? अब ये तो बताओ, हाँ ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आप बताएंगे आपको ये समझा या नहीं? आप होमवर्क भी नहीं करते हैं कुछ लोग, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? रिस्पॉन्ड करो यार, मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या आपको? सर कॉर्ड का लेंथ 10 है, आपने रेडियस 10 दिया है। सही बोल रहे हैं आप, मैंने तो गलत किया है, ट्रायंगल की हाइट समझ में नहीं आया। अरे यार यस 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 यस, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है क्या? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। अच्छा
ट्रायंगल का हाइट समझ में नहीं आया। ओके 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 तो भी हो जाएगा, थोड़ा लंबा होगा। ये 10 दिया हुआ है। अच्छा, ये दोनों आर है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो रेडियस निकालना पड़ेगा। चलो, मैंने गलती से, ये क्वेश्चन नहीं था, फिर भी देखते हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम बनेगा इन ट्राइंगल ओए स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। ये आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है, दोनों रेडियस ही है, इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। तो 2R स्क्वायर इक्वल्स टू 100। तो R कितना हो जाएगा, ये 250। तो अंडर रूट 50 कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। ठीक है, R निकल गया, R स्क्वायर का वैल्यू ये R निकल गया। अभी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। थीटा 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, 50 दिया हुआ है यहाँ पे। ये 4 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो 3, चलो इसको क्या करते हैं हम लोग, 3.14 इंटू 25 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट, ये बेस होगा, ये हार हाइट होगा, तो कितना आ जाएगा, आर इंटू आर, हाफ आर स्क्वायर, हाफ इंटू 50, 25 तो आ गया। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना होगा, सेक्टर माइनस 3.14 अपॉन 2 भी होगा, ये 3.4 इंटू 20, अरे इन 25/2 सेक्टर माइनस 25 है, ये तो 25 है, 25 को कॉमन ले लीजिए, तो 3.14 अपॉन 2 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, तो 25 इंटू 0.57। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 0.57 इंटू 25, इंटू 0.57 14.25।
ये आंसर हो गया माइनर सेगमेंट का, मेजर सेगमेंट कितना होगा? सेगमेंट है, ठीक है ना? पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 50 है, यहाँ पे देख लो। तो 3.14 इंटू 50, 157। तो 157 माइनस 14.25, 142.75 आंसर आया। क्या समझ में बच्चों? इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? इज इट क्लियर टू एवरी वन? प्लीज रिस्पॉन्ड ना माई बच्चा। इफ यू ऑल विल नॉट रिस्पॉन्ड देन हाउ विल आई अंडरस्टैंड? समझ में आया क्या? अरे बताओ यार। यस यस हाँ, चलो और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको कीजिए भी आप। Okay, can I rub this now? Can I rub this? Please respond, my dear students. If you want to respond, then how will I understand? अरे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो यार आप लोग। रब कर दूं? लिख लिया क्या आप लोगों ने? कुछ समझ पा नहीं।
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सीबीएसई 2013 में है। एवरीबॉडी प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन और सॉल्व करके चैट बॉक्स में आंसर डालिए। चलो आंसर आ गया इसका, बताइए। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। चलो रेडियस कितना लेंगे, चलो बताओ रेडियस कितना लेंगे। विशाल, कोमल, पार्थ, राघव, कोई तो बताओ। सर आपको मैसेज लेट दिख रहा है। अच्छा पता नहीं यार क्या कर रहे हैं। हाँ अच्छा 51.33 आंसर, 51.3, कोमल 14 यार आंसर इज 15.3। सर यू आर नॉट एबल टू सी मैसेज। ठीक है द आंसर इज हाउ मच इन दिस क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन का आंसर है या 51.3 सही है, वेरी गुड चलेगा। पता नहीं मैसेज क्यों लेट दिखता है यार मुझे। बाकी टीचरों को टाइम पे दिखता है क्या मैसेज, मैं चिल्लाता रहता हूँ इधर मुझे मैसेज। हाँ अच्छा मुझे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। आई डोंट नो व्हाई दिस प्रॉब्लम हैपेंस विद मी। ठीक है ओके चलो और एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर एंड थीटा इज गिवन 60 डिग्री। ठीक है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। पहला क्वेश्चन क्या है,
लेंथ ऑफ आर्क निकालना। सेकंड क्वेश्चन एरिया ऑफ सेक्टर। चलिए प्लीज फाइंड दिस। किधर गए वो? किधर गए? हरे कृष्णा हरे कृष्णा is the answer. First का 22, area is 231. 21st. What about others? Raghav has called, Parth. बताइए बाकी लोग, बताइए दोनों आंसर बताइए। सही है सही है, वेरी गुड। चलो आगे आंसर ना। चलो वेरी गुड। अभी सुनो, आप लोगों को ऑलरेडी पता है ये चीज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। हमारा व्हाट्सएप होमवर्क ग्रुप है, 10 सीबीएसई मैथ्स होमवर्क ग्रुप है, विच वॉज क्रिएटेड बाय धर्मेंद्र सर। धर्मेंद्र सर क्रिएटेड वन व्हाट्सएप होमवर्क ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हो इसलिए मुझे अब स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो आज के बाद से जो भी होमवर्क रहेगा उस होमवर्क को आपको पोस्ट कर देना है, ठीक है ना। आपका जो होमवर्क रहेगा उसको स्कैन कीजिएगा, उसका पीडीएफ कॉपी बनाइएगा और भेजना है आपके नाम के साथ। एवरीडे जब भी होमवर्क रहेगा, एक पेज का रहेगा तो आपको एक पेज का भेजना है, दो पेज का रहेगा तो दो पेज का भेजना है, तीन पेज का रहेगा तो तीन पेज, जो भी रहेगा अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू। आई एम सेइंग दैट मोस्ट ऑफ यू आर नॉट डूइंग द होमवर्क प्रॉपरली, सो नाउ ऑनवर्ड्स वी विल फॉलो दिस। ओके, तो उस ग्रुप में मुझे अभी इंक्लूड कर दिया है धर्मेंद्र सर ने, तो आप लोग तो ऑलरेडी है उस ग्रुप में, ठीक है ना। देखो मैं अभी उस ग्रुप में डाल दूंगा, प्लीज डू होमवर्क, ठीक है ना। तो इस ग्रुप में मैं भी आ गया हूं अभी, जो धर्मेंद्र सर ने क्रिएट किया था। आज के बाद से सबको होमवर्क पोस्ट करना है उस ग्रुप में। चलो अभी चलिए, अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। बहुत डिस्कशन कर लिया पुराना वाला। चलो अभी बॉक्स क्वेश्चन एक इस तरह का, प्लीज ध्यान से देखिए। अब ये जो है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ओके, अब ये जो डिजाइन दिख रहा है ना,
इसका हमको एरिया फाइंड करना है। इसमें क्या दिया, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन वेयर एबीसीडी इज स्क्वायर सबसाइड इज, ओके एबीसीडी स्क्वायर है ये ए, ये बी, ये सी है और ये डी है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर इसका साइड है और ये जो देख रहे हो ना यहां से इस तरह से ये सब सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, इस तरह से ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल और ये शेडेड रीजन, इनका एरिया निकालना है हमें। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले, ठीक है। अभी ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे निकालेंगे आंसर, वो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम में भी बहुत बार आ चुका है और ऐसे वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का एरिया, ठीक है। चलो अभी इधर सब लोग ध्यान से देखिए इसको, अभी क्या करेंगे, इसको आप फर्स्ट एरिया ले लो, इसको सेकेंड ले लो, इसको थर्ड ले लो, इसको फोर्थ ले लो, ठीक है। चलिए अभी देखिए, सब लोग ध्यान से फिगर में फोकस करना, फिगर में। अभी हम लोग ऐसा करेंगे, एरिया ऑफ, इधर देखिए, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस थर्ड रीजन, ठीक है ना, रीजन का स्पेलिंग जे होगा शायद से, फर्स्ट एंड थर्ड में, तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर, या अच्छा जी होता है क्या, ठीक है, रीजन फर्स्ट प्लस थर्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है। तो देखो अभी यहां पे ध्यान से देखिए, फर्स्ट एंड थर्ड ये वाले का एरिया निकाल ले हम लोग, यहाँ फर्स्ट एरिया कहां से कहां की बात कर रहे हैं, ये वाला, ये और इसी तरह ये और ये और ये, तो हम लोग पूरे सर्कल में से इस सेमी सर्कल को, ये वाले सेमी सर्कल को और ये वाले सेमी सर्कल को रिमूव कर देते हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड का एरिया आ जाएगा ना। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ये फॉर्मूला जो बनाया है सबको क्लियर है क्या, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए सब लोग। एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस थर्ड रीजन, या एवरीबॉडी, ऑल द स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो बाकी सारे क्वेश्चन बनेंगे। सब लोग करो बेटा, सब लोग करो, हाँ प्लीज डोंट वेट, हाँ या तो अभी देखो हम लोग, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, 10 है तो साइड स्क्वायर, और ये पाई 3.14 यूज करेंगे, पाई आर स्क्वायर। अभी देखिए ये जो सेमी सर्कल है इसका डायमीटर 10 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो 100 माइनस 3.14 इंटू 25, 25 को कॉमन ले लो आप, तो 4 माइनस 3.14, तो 25 इंटू 4 माइनस 3.14 कितना होगा, 0. दिस विल गो 10 सब्ट्रैक्ट 19, 86, तो 25 इंटू 86, वेयर इज माई कैलसी, इसको मैं कैलसी से कैलकुलेट करता हूँ, वेयर इज माई कैलसी बाबा, 25 इंटू 0.86, 21.5 आता आंसर, आंसर कितना आ गया, 21.5। तो देखो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड का जो आया इतना आया, ठीक है। अभी एरिया ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड और एरिया ऑफ
फर्स्ट एंड थर्ड आ गया, अभी एरिया ऑफ सेकेंड प्लस फोर्थ रीजन, ये भी तो यही होगा फर्स्ट एंड, ये वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस ये वाला करेंगे तो वो भी इतना ही आएगा, कितना आएगा सेम आएगा, तो दैट इक्वल्स टू एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस थर्ड रीजन, दैट इज हाउ मच 21.5। अब ये आ गया, अभी हमको क्या निकालना है, देखो ये प्लस ये और ये प्लस ये आ गया, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन ये वाला है, सिर्फ बीच वाला पार्ट ये, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सेकेंड सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड, टू इंटू कर देते सेम ही है ना, टू इंटू फर्स्ट एंड थर्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 100, तो टू इंटू 21.5 कितना आ जाएगा 100 माइनस 21 टू 42 43, सो द आंसर विल बी 57 दिस मच। इज इट क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट, सबको क्लियर हुआ ये, प्लीज चैट इन द बॉक्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, चलिए इसको कंप्लीट कीजिए। तो पहला हम लोगों ने ये लिखा है, ठीक है ना, ये फर्स्ट है, दिस इज सेकेंड पार्ट, सॉरी, एंड दिस इज थर्ड पार्ट। चलिए आप लोग सीक्वेंस में लिख लीजिए जल्दी से, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल सिक्स है, ठीक है ना, सॉल्व एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल सिक्स, पेज नंबर है 234।
डन ओके ग्रेट। चलो अभी कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ होमवर्क में, उसको आप लोग कीजिएगा। चलो आई एम रबिंग दिस नाउ। चलो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये होमवर्क रहेगा आपका यही, ठीक है। सो क्या है क्वेश्चन, अ पाथ ऑफ विड्थ 3.5 मीटर, अ पाथ ऑफ विड्थ 3.5 मीटर रन्स अराउंड अ सेमी सर्कल सेमी सर्कुलर सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट हूज पेरिमीटर इज, प्लीज एवरीवन राइट डाउन दिस क्वेश्चन, हूज पेरिमीटर इज 72 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। Pi equals to 22/7. Question 2. क्वेश्चन टू है, थीटा दिया हुआ है 150 डिग्री एंड रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस करने हैं आपको और ये दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको होमवर्क ग्रुप में पोस्ट करना है सारे स्टूडेंट को। ऑल स्टूडेंट हैज टू पोस्ट दी क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आप लोग लिख लीजिए पहले और इसका आंसर सॉल्यूशन होमवर्क ग्रुप में पोस्ट करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। चलिए पोस्ट homework in homework WhatsApp group। चलो थैंक यू सो मच, विल मीट टुमारो, ओके बाय। सर ये क्वेश्चन होमवर्क बुक में डालो, ओके ये क्वेश्चन होमवर्क बुक में डालो।
चलो वो भी कर देता हूँ मैं, ये क्वेश्चंस मैं होमवर्क ग्रुप में डाल देता हूँ आपके लिए, प्रिंट स्क्रीन निकाल के डाल देता हूँ होमवर्क ग्रुप। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग लीव कर सकते हैं फॉर योर नेक्स्ट क्लास। धिंचा कपूर, धिंचा कपूर।